हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं नौशाद आलम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नौशाद आलम क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स का आज का हमारा टॉपिक है 7.3 का। हम लोग आज करेंगे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, ठीक है। और ये जो 7.3 में जितने भी एनसीईआरटी के हमारे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो सारे के सारे हमारे बेसिकली बेस्ड हैं आपको सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा और वो भी त्रिकोणमिति का, ठीक है। अच्छा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद अगर वीडियो आपके पास पहुंचता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूलें, और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो लोग भी इस क्लास का आनंद ले सके, ठीक है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, 7.3 का सोल्यूशन करेंगे जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। पीछे के लेक्चर जो लोग अभी और मेरे पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं उसमें 7.1 7.2 पूरा कंप्लीट मैंने करा चुके हैं हमें, ठीक है। और उसमें पूरा अगर टोटल क्वेश्चन सॉल्यूशन आपके बोर्ड पे कराया गया है, आप वीडियो को जरूर देख लें ताकि आपका 7.1 और 7.2 क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले कौन कौन से यूज होने वाले हैं 7.3 वाले लेक्चर में, इसमें कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूले जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप अपने कॉपी पे नोट कर लें, हम जरा बता देते हैं क्या क्या फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू दिया है फॉर्मूला 1 - cos 2x / 2, याद रखना है इसको, बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स 1 - cos 2x / 2। अगर कॉस स्क्वायर एक्स हो तो क्या लिखेंगे, 1 + cos 2x / 2, ये फॉर्मूला होता है। 2 sin a into cos b, अगर ये ऐसा अगर फॉर्मेट हो तो क्या लिखते हैं, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी प्लस करके, ठीक है। अच्छा, अगर 2 cos a into cos b हो तो क्या लिखते हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। नेक्स्ट 1 - cos x को लिखते हैं 2 sin² x / 2। अब ये फॉर्मूला किसमें आता है, हाफ एंगल का फॉर्मेट जो होता है उसमें आता है ये फॉर्मूला 1 - cos x = 2 sin² x / 2, और 1 + cos x होता है 2 cos² x / 2, ठीक है। तो आप फॉर्मूला को आराम से नोट करें, ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन को, क्लियर है। चलते हैं स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। और फॉर्मूला हमने बता दिया, फॉर्मूला आपने नोट कर लिया होगा, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है sin² 2x + 5 dx, इंटीग्रेशन ऑफ sin² 2x + 5 dx हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसका करना है इंटीग्रेशन, ठीक है। अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा हुआ था आपके सामने, sin² x = हमारे पास 1 - cos 2x / 2, ये फॉर्मूला हमने लिखा हुआ था साइन स्क्वायर एक्स के बदला में। तो ये अगर पूरे क्वेश्चन को हम मान लें कि ये साइन स्क्वायर है और ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है, एक्स है, ये पूरा हमारे पास एक्स है, तो फॉर्मूला इसके लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं, 1 - cos 2x / 2 अप्लाई कर सकते हैं। देखिए जरा सा इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2x, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, और x की जगह पे क्या लिखेंगे, 2x + 5 लिख देंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास dx, ठीक है। हमने इसको लिख दिया 1 - cos 2x, 2 हमारा फॉर्मूला वाला, x के जगह पे क्या, ये हमारा पूरा का पूरा था क्या, हमारे पास x था, तो ये x हो गया, और नीचे में कितना आ गया, 2 हमारे पास चला आया, ठीक है। अच्छा, आगे क्या कर सकते हैं, आगे देखेंगे 1 - cos 2 का गुना लगा देते हैं इसमें, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4x, और प्लस 2 × 5 कितना हो जाएगा, 2 × 5 = 10 हो जाएगा, और नीचे में कितना है, 2 हमारे पास है, और ये dx का dx हमारा बना रहेगा, क्लियर है। 2 का गुना करा 2 × 2 = 4, और 2 × 5 = 10, ठीक है, नीचे में 2 है। अब इस 2 को भाग लगा देते हैं इसमें पूरे में, तो क्या हो जाएगा, और भाग लगा के पार्ट वाइज कर देते हैं, तो ये बनेगा 1/2, और dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, यहां भी क्या बनेगा, cos 4x + 10 / 2 बचेगा, तो इस 1/2 को कर लेते हैं बाहर, और ये हम लिख देते हैं इसको dx का dx चलेगा, 1/2 का भाग इसमें भी लगा और 1/2 का भाग इसमें भी लगा, इसमें का 1/2 यहाँ पे पार्ट वाइज कर दिया, और इसमें का 1/2 बाहर निकाल के इस cos 4x + 10 को लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 1/2 क्या है, नंबर है, तो नंबर क्या होगा हमारा, नंबर जो है हमारे पास बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और dx के लिए क्या लिखते हैं, dx के लिए लिखा जाता है x, माइनस है तो माइनस रहेगा, 1/2 है तो 1/2 रहेगा, ठीक है। अच्छा, cos 4x + 10 है, तो cos का इंटीग्रेशन जानते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है प्लस का sin x, ठीक है, तो अब इसको क्या लिखेंगे, sin x लिखेंगे, और x की जगह पे क्या है, 4x + 10 हमारे पास है। अब ये भी जानते हैं कि जो x का मल्टीपल होता है, x का जो गुणांक होता है वो कहाँ आता है, नीचे में आता है,
ये आपका कहाँ आ जाएगा, नीचे में चला आएगा 4, ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, C चला आएगा। फाइनल आंसर की बात करें तो आंसर क्या बनने जा रहा है, x बाई टू माइनस साइन ऑफ 4x प्लस 10 अपॉन 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8, प्लस क्या हो जाएगा C हमारे पास आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आराम से वीडियो को पॉज कर ले और इसका स्क्रीनशॉट ले ले या फिर इसे नोट कर ले। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है, साइन 3x इंटू कॉस 4x का क्या करना है हमारे पास, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है कि आप इसका इंटीग्रेशन आराम से कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, हमने लिखा है आपको फॉर्मूला कि 2 sin a इंटू कॉस b, फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। जब भी ऐसा पैटर्न दिखे आपको साइन समथिंग इंटू कॉस समथिंग, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 3x इंटू कॉस 4x, अगर ऐसा पैटर्न दिखे तो उसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस b। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में 2 नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में 2 नहीं है। तो क्वेश्चन में 2 नहीं है तो क्या करेंगे, अपनी मर्जी से क्वेश्चन में 2 अप्लाई कर देंगे। देखिए जरा एक स्टेप करके दिखाते हैं, यहाँ पे हमने 2 अप्लाई कर दिया, 2 sin 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है, और ये हो जाएगा dx। जब अपने से 2 लगाए हैं तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, नीचे में 1/2 से गुना करके, तो ये हमारा एडजस्ट भी हो गया और फॉर्मूला पे सेट भी हो गया। अब फॉर्मूला सिंपल है, फॉर्मूला लगा देना और फिर क्वेश्चन बन के चला आएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 का 1/2 रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a इंटू कॉस बी, फॉर्मूला वहां पे है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी क्या होगा, साइन 3x और प्लस 4x, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन ए है 3x और बी कितना है कॉस 4x, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन 3x और माइनस यहाँ पे 4x, और ये हो जाएगा हमारे पास dx। क्या लग गया फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, हमारा फॉर्मूला लग गया, ठीक है। अब क्वेश्चन हो जाएगा बहुत ही सिंपल, 1/2 हमारा रहेगा, साइन 3x और 4x कितना हो जाएगा, साइन 7x, ठीक है, और साइन 3x माइनस 4x किया तो कितना बचेगा, प्लस में साइन के अंदर में बचेगा माइनस का x, क्यों, क्योंकि 3x में से कितना घटा, 4x घटा, तो कितना बचेगा, माइनस का x बचेगा, ठीक है। अब इसको लिख देते हैं dx। अब आप ये भी जानते हैं साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, साइन ऑफ माइनस एक्स हमारा क्या होता है, ये अगर आपको याद होगा क्वाड्रेंट अगर आपने पढ़ा है, ठीक है, यहाँ पे 0 ये 90, ये हमारे पास 180, ठीक है, ये 270 होता है और यहाँ 360 होता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है तो आप ये भी जानते हो कि अगर हम बात करें और मान लेते हैं थीटा की बात करते हैं, तो अगर लिखा हुआ है यहाँ पे साइन ऑफ माइनस एक्स, यानी बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको लिख दें कि 0 - x, साइन 0 - x, तो क्या फर्क पड़ता है, 0 - x का मतलब क्या लिखा हुआ है, माइनस एक्स ही तो लिखा हुआ है, साइन ऑफ माइनस एक्स लिखा हुआ है, यानी ये हमारे पास है 0 - x। अगर 0 - x है तो क्वाड्रेंट का खेल आप जानते हैं, अगर आप पढ़े हैं क्वाड्रेंट को बढ़िया समझे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट हमारे पास 4 पार्ट में बटा होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, सारे त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकेंड में क्या होता है, साइन होता है और कॉसेक होता है, ये सारे क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं, ठीक है। अच्छा, थर्ड में क्या होता है हमारा, टेन और कॉट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा, और फोर्थ में क्या होता है हमारे पास, सेक और क्या होता है कॉस, ये लोग क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब पॉजिटिव जिसका लिख दिया, अब जो बाकी बच जाएगा क्या हो जाएगा, वो सब निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा हमने साइन 0 - x, तो 0 - x कहने का मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास 0, ये 0 डिग्री है हमारे पास यहाँ वाला टर्म, और 0 में से क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, क्या घटा रहे हैं, x को घटा रहे हैं। तो x क्या है, x कोई एंगल है, ठीक है, x कोई एंगल है, तो एंगल क्या हो सकता है, तो जब एंगल को 0 में से माइनस करेंगे तो 0 से और कम ही ना आएगा, 0 से कम आएगा, तो कम आएगा तो किधर आएगा, 0 में से घटा रहे हैं। अगर 0 में जोड़ना होता तो हम किधर चलते, उधर चलते, यानी हम एंटी क्लॉकवाइज चलते, लेकिन हमको क्या करना है, 0 में से घटाना है, तो हम किधर चलेंगे, नीचे की तरफ चलेंगे, यानी हम इधर चलेंगे, ठीक है। 0 में से क्या घटा है, x घटा है, तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप जानते हैं क्या होता है, sec और cos धनात्मक होता है, बाकी जितने फंक्शन बच गए वो सब ऋणात्मक होते हैं, तो साइन क्या हो जाएगा आपका, निगेटिव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x और माइनस कितना हो जाएगा, साइन का x। हमने इस माइनस को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, कैसे, क्योंकि साइन ऑफ 0 - x होता है माइनस का साइन x, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया बाहर, तो ये हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन x, और इसको कर देते हैं dx, चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं,
अब इसको कर देते हैं पार्ट वाइज, 1/2 का 1/2। अब ये 1/2 पूरे सिस्टम में गुना है, गुना है ना, 1/2 पूरे सिस्टम में गुना है, ठीक है। एक और काम कर सकते हैं, पार्ट वाइज ना करने के बजाय हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं, सिंपली 1/2 को रहने देते हैं, ठीक है। साइन 7x है, तो साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं क्या होता है, माइनस का कॉस होता है, होता है। अच्छा, तो यहाँ पे साइन 7x का है तो क्या होगा, माइनस का कॉस 7x, और x का गुणांक कितना है 7 है, x का गुणांक कहाँ आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, माइनस का सिर्फ x है, तो माइनस रहेगा, लेकिन साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस x, तो माइनस का जब कॉस x लिखेंगे तो पहले वाला माइनस एक और माइनस, तो ये क्या बनेगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा कॉस x हो जाएगा ना, और आपका क्या हो जाएगा प्लस सी हमारे पास आ जाएगा। फाइनल आंसर की बात करें तो 1/2 को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो आंसर क्या बनेगा, माइनस का कॉस 7x अपॉन 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 14 प्लस कॉस x बाय 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका कॉस x बाय 2 का प्लस कितना हो जाएगा, सी आपका चला आएगा आंसर। तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, जबरदस्त पैटर्न था, जबरदस्त इसमें क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें इसमें अप्लाई हुई है आपको त्रिकोणमिति का, छोटा छोटा बेसिक सा आपका त्रिकोणमिति अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी जानकारी लेनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपका ट्वेल्थ में बेसिक भी कमजोर है तो आप मेरे 11th के सेशन को देख सकते हैं, जहाँ पे मैं वहाँ पे बेसिक और मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप अगर देखेंगे बेसिक मैथमेटिक्स को तो आपको 12th में जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो फटाफट ज्वाइन कर ले हमारे चैनल को, और चैनल को ज्वाइन करने के बाद बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास जो 11th की चल रही है उसको भी आप पढ़ें, अगर आपका मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है, ठीक है। तो आप इसे नोट करें, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, आप उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास cos 2x * cos 4x * cos 6x। अब लो हो गया छुट्टी, ठीक है। क्या आया सवाल में, तीन क्वेश्चन आ गया, तीन बेसिकली तीन टर्म आ गए, दो था तो ठीक था भैया, तीन क्या करने के लिए आ गया, एक दो और तीन। तो हम लोग जानते हैं क्या कि दो को तो सेट कर सकते हैं एक साथ, क्या करके, टू लगाकर, टू cos a * cos b, लेकिन ये तीसरा का क्या करेंगे, तो तीसरा को क्या करेंगे, उसमें हम लोग को क्या सॉल्व करते टाइम किसी एक को तो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, किसी एक को हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ड्रॉप करने का मतलब क्या, उसको छोड़ देंगे, ठीक है। देखिए हम इसको सेटअप करते हैं, सेटअप आपको फॉर्मूला पता होगा, फॉर्मूला होता है 2 cos a * cos b। क्या होता है फॉर्मूला, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं cos a * cos b का फॉर्मूला, 2 cos a * cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, इसी को करना है अप्लाई। चलिए देखते हैं कैसे करा जाए, किसी दो को पकड़ते हैं, तो किसी दो को बड़े बड़े को पकड़ लेते हैं, छोटे वाले को बाद में देखेंगे, ठीक है। दो को बड़े वाले लोगों को पकड़ लेते हैं, तो इसको थोड़ा सेटअप करते हैं, देखिएगा दो बड़े लोगों को पकड़ा क्या, cos 4x * cos 6x, ठीक है, और * cos 2x को कर लिया साइड, ठीक है। अब 2 हमको लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 एडजस्ट करना होगा, और इसको जब 2 एडजस्ट किया तो यहाँ नीचे में भी क्या एडजस्ट करना पड़ेगा हमको, यहाँ भी 2 एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा dx। और इन दो लोगों को क्या करेंगे हम क्वेश्चन के अंदर में फॉर्मेट में सेट कर लेंगे, 2 cos a * cos b, और cos 2x को कहाँ रखेंगे, बाहर की ओर रखेंगे, ठीक है। बाद में उसका क्या करेंगे, गुना वगैरह करके फिर उसको सेट करेंगे, ठीक। चलते हैं, अब यहाँ पे 2 cos 4x * cos 6x है हमारे पास, 2 cos 4x * cos 6x, यहाँ पे हमने क्या करा, 2 एडजस्ट करा, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और 2x को कहाँ रख लिया, बाहर रख लिया। अब चलिए सेटअप करते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, 1/2 हमारा बाहर में है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a * cos b, ये हमारा a और ये हमारा b, ठीक है। तो क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, क्या लिख देंगे, cos a प्लस b यानी 4x और प्लस 6x कितना हो जाएगा, 6 और 4 10x, डायरेक्ट लिखते हैं 4x प्लस 6x हो जाएगा 10x, प्लस cos a माइनस b, a कितना है 4x और b कितना है 6x, तो क्या होगा आपका, cos 4 में से 6 गया कितना बचेगा, माइनस का 2x, यही बचेगा ना, ये हमारे पास बच जाएगा, a प्लस b हो गया 10 और a माइनस b हो गया कितना, माइनस का 2x। अब ये हम ब्रैकेट में ही रखते हैं इसको, ठीक है, और इनटू क्या है, cos 2x का 2x हमारे पास बना रहेगा, और dx इसको रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ अभी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, त्रिकोणमिति को हल कर रहे हैं, जब त्रिकोणमिति फाइनल हो जाएगा फिर आपका इंटीग्रेशन यू निकल जाएगा, ठीक है। चलते हैं, अब आते हैं क्वेश्चन में और आगे, 1/2 का 1/2,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 10x, और ये 2x क्या है, गुना में है, तो ये 2x क्या हो जाएगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी हमारा आके गुना होगा, तो cos 10x आके 2x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, cos 10x into cos 2x बन जाएगा, ये बनेगा ना, प्लस है तो प्लस, ठीक है। अब यहां जरा समझिएगा, cos माइनस का 2x, आते हैं क्वाड्रेंट को, फिर याद करते हैं, ठीक है, यहां 0 था, यहां 90, यहां पे 180, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 270 था, और यहाँ पे क्या होता है 360, ये हमारा पूरा राउंड हो गया, ठीक है। अब कॉस का माइनस 2x है, तो कॉस का माइनस 2x का मतलब कितना, कॉस 0 माइनस 2x, यही होता है, 0 माइनस 2x का मतलब क्या होता है, 0 में से घटाएंगे तो 0 में से घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और आप फोर्थ क्वाड्रेंट में जानते हैं क्या होता है, कॉस और सेक धनात्मक होता है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक धनात्मक होता है, अभी हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये धनात्मक होता है तो कॉस 2x क्या हो जाएगा, वो भी धनात्मक हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 2x, इसके लिए तो हो गया कॉस 2x, और ये 2x आके इसके साथ गुना होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, इनटू कॉस 2x हो जाएगा, और ये हमारा पूरा सेटअप तैयार हो गया, और ये हमारा बन गया dx, चलेगा, इसको हमने कर दिया पूरा सेट। अब ये दो पोर्शन बन गए अलग अलग, अब इसको हम कर लेते हैं पार्ट वाइज, ठीक है, इसको करते हैं पार्ट वाइज, समझेंगे जरा ध्यान देंगे, 1/2 पूरे सिस्टम में गुना है, तो 1/2 अगर पूरे सिस्टम में गुना है तो पार्ट वाइज करेंगे तो पार्ट वाइज में भी गुना होगा, इसको लिख देते हैं हम पहले cos 10x इंटू cos 2x, ये पहला पार्ट हो गया, और इसको कर दिया dx, प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2, तो इधर भी गुना होगा ना, क्योंकि 1/2 पूरे सिस्टम में गुना था, तो 1/2 यहां भी आया, और क्या लिखेंगे, cos 2x into cos 2x, और ये हमारे पास हो गया dx, ये हमारा दूसरा पार्ट भी रेडी हो गया, ठीक है, चलेंगे आगे, चलते हैं देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 2 हमको लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 2 नहीं रहेगा तो फिर हमारा फॉर्मूला सेट होगा नहीं, 2 cos a into cos b का, तो जब यहाँ पे 2 सेट करेंगे तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, 1/2 से गुना करेंगे, तो क्या होगा देखिए जरा, इसमें क्या करते हैं, 1/2 तो पहले से है, एक और 1/2 लेके आते हैं और यहाँ पे बैठा देते हैं कितना, 2, ठीक है, अच्छा, तो अब जरा बताइए, जब यहाँ पे 2 बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a into cos b, तो सूत्र क्या लाएगा, cos a plus b और plus cos a minus b, तो cos लिख दें यहाँ पे, cos a plus b, 10 plus 2 कितना हो जाएगा, 12x plus cos a minus b, ए माइनस बी यानी कितना, 10 - 2, इसको लिखेंगे कितना, तो ये कितना हो जाएगा, 10 - 2 हो गया 8, यानी cos 8x, और ये हो जाएगा dx का dx, प्लस है तो प्लस, 1/2 है तो 1/2, अब ये 1/2 है लेकिन यहाँ भी 2 की कमी है, तो जब यहाँ पे 2 लगाएंगे तो यहाँ पे एक और क्या आ जाएगा, 1/2 और आ जाएगा, आएगा ना, अच्छा, और cos 2x into cos 2x, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos a into cos b, तो फॉर्मूला जानते हैं, cos a plus b plus cos a minus b, ए प्लस बी करेंगे तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, तो cos हो जाएगा आपका 4x, और a माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा, cos 2x माइनस 2x cos 0, और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग बेसिकली क्या हो जाएगा, cos 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, cos 0, और cos 0 हमारा वैल्यू 1 होता है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, नहीं लिखेंगे, देखते हैं जरा सा, अगर हम इसको अप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा आपका, cos 2x माइनस, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 cos a into cos b का आ जाएगा, cos a plus b यानी cos 2x plus 2x कितना, cos 4x, और cos a minus b, तो cos a minus b अगर हम लिखेंगे तो 2x में से क्या आ जाएगा, 2x, तो 2x में से 2x के कितना, 0 बचेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा, cos 0 बच जाएगा, ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखते हैं आगे थोड़ा सा, यहाँ पे रफ करते हैं इस फॉर्मूले को, ध्यान देंगे जरा, क्वेश्चन टफ नहीं था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और थोड़ा सा इसमें एडजस्टमेंट करना है, फिर से जरा समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, हमने क्या करा, 4x और 6x को पकड़ा है, ठीक है, तो 4x और 6x को पकड़ा है, 2x को छोड़ दिया साइड में, और इन दोनों को ब्रैकेट में सेट कर लिया, ठीक है, इसमें 2 चाहिए होता है तो 2 हमने लगाया जबरदस्ती इसमें, और 1/2 से क्या किया, इसको एडजस्ट करा है, ठीक है, अच्छा, अब ये 2 cos a into cos b फॉर्मूला होता है, cos a plus b और plus cos a minus b होता है, तो a plus b यानी 4 plus 6 10, और a माइनस बी यानी 4 - 6 - 2, ठीक है, 1/2 बाहर में था, cos 2x हमारा बाहर था, ठीक है, अब cos ऑफ माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो इसको हमने लिख दिया डायरेक्टली cos 2x,
अब इस cos 2x का सब में गुणा कर दिया, cos 2x में क्या हो गया cos 10x का, तो cos 10x into cos 2x, इस cos 2x का इसमें गुणा किया तो क्या हुआ cos 2x into cos 2x और dx। अब इन दोनों को हमने कर दिया है पार्ट वाइज, 1/2 पूरे सिस्टम में गुणा था तो 1/2 इस पार्ट में भी गुणा होगा और प्लस के बाद जो अगला वाला पार्ट है उसमें भी 1/2 गुणा होगा, ठीक है। अच्छा फिर क्वेश्चन में हमने क्या करा है, 2 को एडजस्ट किया है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा, तो 2 को एडजस्ट यहाँ पे करा है तो 2 cos a into cos b बन गया है, और इसको एडजस्ट करने के लिए हमने क्या करा है 1/2 नीचे में सेट कर दिया है, तो ये बनेगा cos a plus b यानी 10 plus 2 12 और cos a minus b यानी 10 minus 2 8, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी क्या करा है 2 को एडजस्ट किया हुआ है और 1/2 के लिए क्या किया हमने यहाँ पे एक और 1/2 लिखा हुआ है, तो ये एडजस्ट हो चुका है और cos a plus b बनेगा 2x plus 2x 4x और cos a minus b बनेगा यानी cos 0 बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला क्या बनेगा हमारे पास 1/2 का 1/2, ठीक है। अब इसका कर देना इंटीग्रेशन, कर दिया ना इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब बेसिकली 1/2 नहीं है, 1/2 into 1/2 कितना है 1/4 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 1/4 है, ठीक। अच्छा और 1/4 गुना में है और इसको हम कर लेते हैं और गुना, cos 12x cos 12x है तो cos 12x का cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका क्या sin x, तो sin 12x हो जाएगा और नीचे में कितना आएगा 12 आ जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस। cos 8x तो cos से 8x का कितना हो जाएगा sin 8x, तो इसको लिख देंगे sin 8x और नीचे में कितना आएगा 8 का हमारा 8 चला आएगा, ठीक है, चलेंगे। उसके बाद है प्लस है तो प्लस, नेक्स्ट क्या है 1/2 into 1/2 ये क्या बनेगा 1/4 बनेगा, समझेंगे, ये हमारे पास आगे का प्रोसेस चल रहा है। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x और नीचे में क्या आएगा 4, यहाँ पे आया sin 4x और नीचे में हमारा आ गया 4, प्लस है तो प्लस। अब cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है और 1 के साथ अगर लगा हुआ है हमारे पास क्या dx, 1 के साथ अगर dx लगा हुआ है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सिर्फ x होता है, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x, ठीक है, और ये हमारा प्लस लग जाएगा c हमारे पास लग जाएगा, ठीक है। अब जरा देखेंगे 1/4 इसमें भी है 1/4 इसमें भी है ना, अच्छा तो क्या किया जा सकता है 1/4 को कॉमन कर ले, कर सकते हैं कॉमन, तो 1/4 को कर लिया हमने कॉमन, आंसर क्या बचेगा साइन 12x अपॉन में कितना 12 प्लस साइन 8x अपॉन में कितना 8 प्लस साइन 4x अपॉन कितना 4 बचेगा ना, अब प्लस कितना बच जाएगा, एक हमारे पास x है तो हमारे पास x बच जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c, और ये हमारा बनेगा इस बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन का जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ खतरनाक और बहुत ही सुंदर सा आंसर, आराम से इसे नोट कर लेंगे। हमने क्या कर लिया है क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बेसिकली क्या है 7.3 में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए हैं तो वो आपके बेसिकली सारे के सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही आपके ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको मतलब बहुत सारा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका त्रिकोणमिति वीक है, आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता है, कमजोर है ना, आपको फॉर्मूले याद नहीं, तो फिर आप क्वेश्चन में हर स्टेप पे हर कदम पे फंसेंगे। तो अगर आपको नहीं फंसना है तो जरूर आप त्रिकोणमिति का सारा फॉर्मूला याद कर लें। अगर आपको बेसिक में कमजोरी है, बेसिक अगर आपको नहीं आता है, तो मेरे 11th वाले लेक्चर को आप देख सकते हैं जिससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है साइन क्यूब इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला से बनाया जा सकता है और थोड़ा सा इसको एडजस्ट करके या जुगाड़ लगा के भी बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं जरा क्या जुगाड़ लगाया जाए, थोड़ा सा देखेंगे क्वेश्चन को समझेंगे। साइन क्यू इंटू 2x प्लस 1 है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है क्या साइन स्क्वायर 2x प्लस 1, इसमें से स्क्वायर निकाल लिया बाहर, साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 हमने लिख दिया, चलेगा। अच्छा अब स्क्वायर लिखा है तो 3 है ना, साइन क्यू है ना, एक और तो बचेगा ना, एक और क्या बचेगा हमारे पास साइन 2x प्लस 1 तो बचेगा, ये हमारे पास या यहाँ पे हमारे बच गया, ठीक है। इसको लिख दिया स्क्वायर में और इसको लिख दिया सिंपल साइन 2x प्लस 1। अब एक और चीज हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, हम लोग सूत्र पीछे पढ़ चुके हैं साइन स्क्वायर का। साइन स्क्वायर इसका फॉर्मूला हमने लिखा था 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला हमने आपको स्टार्टिंग जब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहे थे उससे पहले ही हमने वहां पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखाया था, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये होता है, ठीक है। अच्छा तो अब जरा देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, क्या लिख सकते हैं,
अब वो फॉर्मूला भी अप्लाई हो सकता है, एक और चीज भी अप्लाई हो सकता है। साइन स्क्वायर टू एक्स प्लस वन को हम लिख सकते हैं, हम एक और चीज लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, और साइन स्क्वायर और एक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, ये हम जानते हैं, बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। अगर इसको अप्लाई करेंगे तो शायद काम बन जाएगा, ठीक है, देखते हैं जरा। और इसको अप्लाई करके इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, ये हमने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला, वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन हमने लिख दिया, ये बनेगा वन माइनस कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, और इसको लिख देंगे साइन टू एक्स प्लस वन का, टू एक्स प्लस वन हमारा बना रहेगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया लॉन्ग, ठीक है। अब लॉन्ग हो गया तो एक चीज ध्यान दीजिएगा जरा सा, इसको हम कर देते हैं अलग, ठीक है, और ये हमारा अलग है, ठीक। अच्छा, तो अब इसको क्या किया जा सकता है, अगर हम टू एक्स प्लस वन, और कौन सा टू एक्स प्लस वन, कॉस टू एक्स प्लस वन को कुछ मान ले, कॉस टू एक्स प्लस वन को कुछ मान ले, समथिंग एज्यूम कर ले, तो क्या क्वेश्चन में हमारा कुछ बनेगा क्या, देखते हैं जरा। हम क्या करते हैं ना, कॉस ऑफ टू एक्स प्लस वन, यहां जो लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर टू एक्स प्लस वन, तो हम इसमें का सिर्फ कॉस टू एक्स प्लस वन पकड़ते हैं, एक कॉस टू एक्स प्लस वन को पकड़ते हैं और उसको मान लेते हैं टी, देखिएगा क्या होता है क्वेश्चन में, कैसे सॉल्व होता है कैसे नहीं होता है। कॉस टू एक्स प्लस वन को हमने मान लिया टी, इस ऐसा क्यों करा हमने, अगर कॉस टू एक्स प्लस वन टी मानेंगे ना तो क्या होगा कि यहां से साइन टू एक्स प्लस वन हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देखिए कैसे होता है प्रोसीजर, कॉस टू एक्स प्लस वन को माना टी, सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टू एक्स प्लस वन इन टू, इस टू एक्स में से क्या निकलेगा, टू निकलेगा, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा आपका डी टी अपॉन डी एक्स हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, डीएक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, देखिए डीएक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीटी अपॉन माइनस तो रहेगा हमारे पास, सॉरी यहां डीएक्स का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास आपको माइनस टाइम्स डीटी अपॉन साइन टू एक्स प्लस वन हमारे पास आ जाएगा, किसका वैल्यू, dx का वैल्यू आ जाएगा, और इसमें क्या लगा रहेगा, 2 हमारा नीचे में लगा रहेगा क्योंकि 2 हमारा इस 2x में से निकल के आया है, तो ये dx का वैल्यू हमारे पास आ गया, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चलते हैं, क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करेंगे देखिएगा, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 है, ठीक। अच्छा, तो ये हमारा 1 का 1 रहेगा माइनस cos 2x प्लस 1 को माना था हमने t, लेकिन वहां पे क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो वो क्या बन जाएगा, t स्क्वायर बन जाएगा, ये हमारा बन गया t स्क्वायर, कोई दिक्कत, हमने माना cos 2x प्लस 1 को t, तो यहाँ पे cos क्या है, स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, t को स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है उसके बाद, sin 2x प्लस 1, तो इसको भी लिख देते हैं, sin का 2x प्लस 1 हमने लिख दिया, ठीक है, into dx का वैल्यू पुट करना होगा, तो माइनस का dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1 आएगा, तो माइनस का dt, तो माइनस को निकाल देते हैं बाहर, और यहां पे आ जाएगा आपका dt अपॉन 2 साइन 2x प्लस 1, ठीक है, ये हमारा हो गया। हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर हम cos 2x प्लस 1 को t मानते हैं तो होगा क्या, ये साइन 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए हमने cos 2x प्लस 1 को t माना, तो देखिए यहां से साइन 2x प्लस 1 से ये साइन 2x प्लस 1 हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, बचेगा क्या, माइनस है तो माइनस, वन माइनस टी स्क्वायर, और ये तो कट चुका है, और टू हमारे पास नीचे में है, टू को निकाल लेते हैं बाहर, तो ये वन बाई टू हमारा बाहर आ गया, माइनस हमारा लगा हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, ठीक है। वन माइनस टी स्क्वायर है, डी टी भी है, टू हमारा आ गया बाहर में, साइन टू एक्स प्लस वन से साइन टू एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है, माइनस वन बाई टू बाहर रहेगा, ठीक है। अब वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी, डी टी के सापेक्ष कर रहे हैं तो टी हो जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टी क्यू अपॉन थ्री हमारे पास हो जाएगा, अब प्लस कितना हो जाएगा, सी हमारे पास चला आएगा। अब इस माइनस को कर देते हैं गुना, तो माइनस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का टी अपॉन कितना, टू, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टी क्यू बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास टी क्यू, और नीचे में थ्री इंटू टू कितना हो जाएगा, सिक्स, अब प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। अब टी को क्या माना था, टी को माना है कॉस टू एक्स प्लस वन, तो अब यहाँ पे लाके पुट कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस का कॉस टू एक्स प्लस वन अपॉन में कितना, टू,
प्लस यहां पे बनेगा कॉस 2x प्लस 1 का क्या बनेगा होल क्यू बनेगा और नीचे में क्या बनेगा आपका 6 बनेगा प्लस क्या हो जाएगा सी हमारे पास चला आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट था और बहुत ही हेवी क्वेश्चन है। आराम से इस वीडियो को पॉज कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले और इसे आप नोट कर ले अच्छे से समझते हुए। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है बोर्ड पे, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस क्यू एक्स। अब ये क्वेश्चन कहाँ गया? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आया विस्थापन में, एक हमने लेक्चर पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 4। आप लेक्चर नंबर 4 को देख ले, उसमें हमने बताया था आपको कंडीशन कि साइन का पावर एम एक्स इंटू कॉस का पावर एन एक्स, ये हमने बताया था, ये हमने कंडीशन बताया हुआ था किसमें, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, तो उसमें बताया था हमने कि यदि कॉस का घात क्या हो, हमारे पास विषम हो। ठीक है, कॉस का घात विषम हो यानी एन का वैल्यू क्या हो, विषम धनात्मक पूर्णांक हो। तो क्या मानते हैं कॉस का अगर घात हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि यदि साइन का पावर एम एक्स और कॉस का पावर एन एक्स कोई हमारे पास फंक्शन है, तो इसमें बताया था क्या अगर एम और एम एवं क्या एन दोनों ही क्या हो ऑड हो। ठीक है, अगर एम और एन का घात जो है दोनों ही क्या हो विषम संख्या हो, तो क्या करते हैं साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को भी हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को भी टी मान लेते हैं, तो क्वेश्चन वही करेंगे हम लोग, साइन एक्स या कॉस एक्स किसी को भी टी मान लेंगे। तो चलते हैं जरा देखते हैं, हम कॉस एक्स को टी मान के देख लेते हैं। हम मानते हैं कॉस एक्स को टी। ठीक है, आसानी होगी, देखते हैं क्या होता है। कॉस एक्स को माना हमने टी, तो कॉस एक्स को टी मानेंगे, डिफरेंशिएशन क्या आएगा कॉस एक्स का, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस का साइन एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हमारे पास आ जाएगा, और डी एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का डी टी अपॉन में कितना साइन एक्स आ जाएगा हमारा, किसका वैल्यू, डी एक्स का वैल्यू। अब क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है साइन क्यू एक्स, तो साइन क्यू एक्स को क्या लिख देंगे, इसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स अलग अलग। ठीक है, और कॉस क्यू एक्स को क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को ही माना है टी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास टी क्यू इंटू डी एक्स के जगह पर लिखना पड़ेगा माइनस का डी टी अपॉन साइन एक्स, तो ये बनेगा माइनस, तो माइनस कहाँ आ जाएगा बाहर, और ये हो जाएगा डी टी अपॉन कितना साइन एक्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स मारने का वो फायदा हुआ है, साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, अच्छा, अब ये साइन स्क्वायर एक्स हमारे पास है, तो इसको कॉस के रूप में लिख सकते हैं, ये सूत्र होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, किसके बदले में, साइन स्क्वायर एक्स के बदले में, और यहाँ पे टी क्यू है तो टी क्यू तो रहेगा और डी टी है तो डी टी रहेगा, माइनस हमारा बाहर में लगा हुआ है, चलेगा। अच्छा, आगे देखिएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस एक्स को माना है टी, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस टी का स्क्वायर इंटू कितना टी क्यू, और ये हमारा बना डी टी का डी टी, और माइनस बाहर में लगा हुआ है। आगे देखिए, आगे क्या करेंगे, ये हम रफ करते हैं थोड़ा सा, आगे हम लोग करेंगे आपको यहां पे टी क्यू को गुना कर देंगे 1 के साथ, तो ये आपका बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यू, और टी स्क्वायर इंटू टी क्यू कितना बनेगा, ये बनेगा आपका टी का पावर 5 बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा डी टी, और माइनस हमारा बाहर लगा हुआ है। क्या किया मैंने, टी क्यू को गुना करा 1 के साथ और टी क्यू, और टी स्क्वायर को टी क्यू के साथ, तो ये बन गया टी का पावर 5। अब टी क्यू का इंटीग्रेशन जानते हैं, टी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी का पावर 4 अपॉन में कितना 4, माइनस टी का पावर 5 का कितना हो जाएगा, टी का पावर 6 अपॉन में कितना 6 हो जाएगा, माइनस हमारा बाहर लगा हुआ है, प्लस कितना हो जाएगा 6। अब इस माइनस को कर देते हैं गुना, तो माइनस गुना होगा तो माइनस का टी का पावर 4 नीचे में कितना 4 प्लस माइनस माइनस प्लस टी का पावर 6 अपॉन 6 प्लस कितना हो जाएगा सी हमारे पास हो जाएगा। अब टी की जगह पे क्या पुट कर देंगे, कॉस एक्स को माना है टी, तो यहाँ पे कॉस पुट कर देते हैं, तो माइनस का कॉस एक्स का पावर 4 नीचे में 4 प्लस का कॉस का पावर 6x और नीचे में कितना 6 और प्लस क्या हो जाएगा सी हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, तो आप इसे आराम से इस वीडियो को पॉज कर ले और इसे स्क्रीनशॉट ले ले या फिर से आराम से नोट कर ले, उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो चलते हैं आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं पे। ठीक है, आने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 6 से लेकर ऑनवार्ड्स होगा, जितना क्वेश्चन होगा वो अगले लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चैनल को देखते रहिए, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आए, क्योंकि हमने बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल करी है वीडियो के अंदर में कि आपको क्या है
कि आपका कंसेप्ट आपको उससे क्लियर होगा, ठीक है ना। बहुत सारे फॉर्मूले हमने बीच में इस्तेमाल करा है, ठीक है। अगर आपका बेसिक बहुत ही कमजोर है तो आप बेसिक के लिए मेरे 11th के सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में अगर आपका त्रिकोणमिति भी कमजोर है तो त्रिकोणमिति के लिए आप फॉर्मूले को याद करें, ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला याद करें। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आने वाला लेक्चर बहुत ही मुश्किल होने वाला है, ठीक है। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो वीडियो को देखते रहें और चैनल को अभी तक अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी क्लास का आनंद ले सके। चलते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।